तो गाइस ये सफल हो रहा और बहुत प्यारा लग रहा है। ये स्वामी जी का था, बाकी हमारा भी काम। बंदा जी तुम खाने जा रही हो क्या? ऐसे बोलिए, बाप भी उठाने जा रहा है। चलो आएगा इसमें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक जायसवाल ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ मस्त अच्छे रहिए। और हम लोग अभी निकल गए हैं रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए और ये ड्राइव कर रहे हैं और मैं बैठा हूँ। तो अभी तक आपने देखा है कि सब लोग पार्टी के लिए यानी बाबू का इंप्रेशन के लिए सब लोग का मेकअप सब लोग सज चुके थे। आप लोगों ने प्यार भी दिया, बहुत अच्छा लगा। बस अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए जैसे इस समय बनाए हुए हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या लेंगे, वो आएगा इनके चैनल पर तो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था अनप्रेशन का, तो आज अनप्रेशन होगा। बाबू भी नहाएगा, धोएगा, दूध से नहाएगा, दही से नहाएगा, यानी पांच तत्वों से नहाएगा। वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। और कुछ क्या कहें, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, बाकी बने रहेगा चैनल पर। और जो लोग चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा आप लोग। और ड्राइव दिल्ली में करना तो बड़ा आसान तरीका है यार, जैसे इन्होंने सीख गए हैं, लेकिन मैं अभी तक एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर में। तो गाइज हम लोग आए हैं कहाँ, आप लोग को बता ही देता हूँ, क्योंकि अम्मी जी चले गए हैं वो सामान लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है तो पार्किंग में हम लोग गाड़ी नहीं डाले वरना निकलने भी समय लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये बीवीपी हम लोग चल रहे हैं बाबू का छप्पन भोग लेने के लिए, जो बाबू के अन्नप्रसन्न में रखा जाएगा। तो खीर भी बन गया है, छप्पन भोग भी हो जाएगा, और भी चीज़ें हैं, पूड़ी हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि बाबू के वहाँ पर रखा जाए। फिर से वालों रामायण लेंगे, गीता लेंगे, पेन लेंगे, किताब लेंगे, कुछ और भी सामान लेंगे जो बाबू छुएगा। मतलब एक होता है ना नेचर की क्या क्या आगे होगा, तो इन्हें चीज़ को अमित जी के साथ आए हैं लेने के लिए और ये चले गए हैं लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी हम लोग रोड पर खड़ा किए हैं क्योंकि पार्किंग नहीं है, पार्किंग बहुत अंदर है, अब फिर बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाएगा। तो हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, अकेले चले गए हैं लेने के लिए। तो लेके आते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं कि छप्पन भोग क्या क्या है छप्पन भोग में, फिर आप लोग को दिखाएंगे। तो बने रहेगा चैनल पे, बिल्कुल छोड़ के मजा आएगा। और ब्लॉग में तो पूरा का पूरा दिखा करिए आप लोग, तभी मजा आएगा। और सब लोग सज धज तो चुके ही हैं और हम भी एकदम यही कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि सब लोग देखें ग्रीन ग्रीन पहने हुए हैं और देख रहे हो कितना प्यारा भी लग रहा है। तो कुर्ता पैजामा, कुर्ता और पैंट के साथ मैं आज यही, मतलब पूरा ब्लॉग हमारा इसी कपड़े प्यारा है। अब बहुत लोगों का कमेंट भी अगर आता है यार एक ही कपड़े कुल वीडियो बना देते हो, कोई नहीं यार, सुबह नहा दो एकदम रेडी हो गया, बस थोड़ा सा टचअप कर लेंगे हम भी अपना। तो चलिए आते हैं अमित जी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस आपने देखा कि इन्होंने ला दिया छप्पन भोग सामने पीछे रखा हुआ है सिर पे, और ये भी ऐतिहासिक हो गया यार, इतना बड़ा लंबा प्रोग्राम के साथ साथ मतलब अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या था कि हम लोग सोच रहे थे कि पूरा परिवार, एक मिनट हम भी अपना चालू कर ले, जब बोल रहे हैं तो दोनों में रिकॉर्ड हो जाए, हमारी भावना है उसमें भी रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस आपने देखा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने जैसे बोल रहा था कि इतना मतलब खुशी का माहौल हो रहा है ना कि बाबू के। एक्चुअली मैं ये भी सोच रहा था कि देखो क्या होता है ना, हमारे परिवार में हम लोगों में जब तक पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं होती कुछ प्रोग्राम हम लोग करते नहीं हैं, और अब की बार इतना बढ़िया सौभाग्य है कि हमारी माता जी, इनकी माता जी, हमारी बहन, इनकी बहन, तो सब लोग इकट्ठे हैं। तो आपके भाई, हमारे भाई, भाभी, कुछ लोग हुआ ही होगा, कुछ लोगों का पहले से ही टिकट था, अनुप्राशन का भी ऐसा कुछ था नहीं कि अनुप्राशन तुरंत कर देंगे, ऐसा था कि हम लोग थोड़ा सा बाद में करते हैं, 10-15 दिन रुक करके या महीने भर रुक करके ऐसा कर लेंगे। लेकिन फिर मम्मी ने बोला, दीदी ने बोला, जब भैया हम लोग आए हैं तो हमारे सामने ही कर लो, क्यों लेट करना। फिर हम लोगों ने इस मुद्दे को बहुत समझा कि भाई हाँ ये बात भी सही है, बार बार लोग इकट्ठे नहीं होते, नहीं बाबू अनुप्राशन भी चला एक साल बाद हो रहा है, एक साल बाद होता इतना मतलब मजा भी नहीं आता जब इतने लोग नहीं रहते। तो हमने बोला चलो जब इतने लोग इकट्ठे हैं, और हमने एक बेहतरीन सा डेकोरेशन भी करवा दिया, तो अपना जो भी प्रोग्राम होता है दिल खोल के होता है, एकदम ललन टॉप होता है, झमाझम होता है। तो झमाझम ब्लॉग आ ही रहे हैं आप लोग, मतलब आप लोग मिस कर रहे हो मेरे झमाझम को ना, क्योंकि मैंने कभी, क्योंकि मैं क्यों बहुत ज़्यादा बिजी था और मैंने किसी दूसरे लड़के को दे रखा था, कैमरे से वही शूट करता था, बाकी फोन में रहा था। तो झमाझम ब्लॉग आ रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, प्यार देते रहिए, बाकी हम लोग अभी घर पहुँचते हैं और भी मज़ा आएगा अभी आप लोग को, अभी तो कम देख रहे हो, अभी जब पहुँचेंगे ना, जब आप लोग देखोगे पूरा ब्लॉग ना, तब समय आएगा आप लोगों को। तो चलिए बने रहिए, हम लोग घर पहुँचते फिर मिलते हैं। हाँ तो हम लोग आए हैं बाबू के लिए कलम और कापी लेने के लिए। अंकल जी एक कापी दे दीजिए, एक कलम दे दीजिएगा, तो कलम भी अच्छा दीजिएगा थोड़ा बढ़िया, कापी मोटी कोई एक दे दीजिए अच्छा हो जाए।
तो ये भी लेना जरूरी है, तो इसको ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये लेके आ गए हैं, और बाकी अमित जी पीछे कुछ उनके सब्सक्राइबर मिल गए हैं, बात कर रहे हैं हमारे टावर में ही। तो ये 56 भोग कितना प्यारा लग रहा है यार, गजब। तभी लेके सब देखेंगे, सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार इतना बड़ा, क्या बात है, क्या अभी सबको सरप्राइज देते हैं ना, सब देखेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। चलो बता दें यार, देखो ना कैसा लग रहा है मेरे बाबू का 56 भोग, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन के सूट का भाई दिया, नहीं किया 56 भोग का आइटम तैयार होके आ गया। कैसा लग रहा दीदी? तो 56 भोग में क्या रहेगा? यही सब रहेगा ना, 56 भोग में यही तो होता है, और क्या होता है। इधर किट्टो पूरा प्रोग्राम सेटअप कर रही है, मूल फला ये ले लो आप, ये रखो तो उठा के बाबू इसमें भी नहाएगा अभी। अरे पानी डाले के लिए सुना के रख लेते हैं, बाबू उठाने जा रहा है, चलो बनाओ। रास्ता धस गया इधर पे, बाबू का भी नहाएगा इसमें। फूलों को चाहिए क्या? यही है इसमें फूल। ये सुपन हो रहा और बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग भी अगर फंक्शन करना चाहते हैं, अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, तो हमारा दिखाने में मकसद यही है कि बहुत लोग को नहीं पता है कि क्या क्या लगता है अन्नप्राशन में। तो ये व्यवस्था अमित जी का था, बाकी हमारा जो काम था वो कर दिया है, और बने रही ब्लॉग में मिलते हैं। तो गाइस देखा आपने, 56 भोग पूरा आ गया है, और प्राची भी पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, और मम्मी मेरे साथ किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आज सबका विदाई भी है, यानी प्राची चली जाएगी और दीदी और मम्मी इनकी चली जाएंगी। तो मम्मी पूरा खाना पीना बना रही इधर, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और इधर सर जो गया है, 56 भोग भी आ गया, आपने देखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ब्लॉग को करते समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग आपको दिखाएंगे कि बाबू कैसे नहाता है, कैसे धोता है, क्या होता है, वो चीज़ आपको मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तक मैंने पूरी तैयारी कर दिया, 56 भोग ला दिया, किताब कापी ला दिया, रामायण पाठ ला दिया है, और उसमें बाबू को हम गीता पाठ भी सुनाएंगे। भाभी भी आज काफ़ी अच्छी लग रही थी साड़ियों में, बहुत अच्छा लगा। तो और सब बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन बोलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो करते समाप्त। वीडियो का अच्छी लगे तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद लाने दीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग इंतजार करिएगा, और आप लोग का प्यार सपोर्ट आप लोग देते रहिए। बाय बाय गाइस, गुड।